5.1 क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन द फंक्शन इज जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करेंगे, एक्स जीरो से थोड़ा पीछे जाएंगे तो कौन सा फंक्शन होगा? ये वाला फंक्शन होगा क्योंकि ये तो इक्वल टू जीरो वाला है। तो पीछे जाएंगे तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे मॉड एक्स बाई एक्स, आगे के प्रोसेस में एच टेंस टू जीरो लिखते हैं और एक्स की जगह पर जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच। मॉड से जब भी माइनस एच बाहर आएगा तो प्लस एच हो जाएगा और नीचे में माइनस एच कट जाएगा तो माइनस वन आएगा। फिर आर एच एस आर एच एल जब निकालेंगे तो जीरो पॉजिटिव में जाएंगे, तो जीरो पॉजिटिव देंगे तब भी हमारे लिए फंक्शन नहीं रहेगा ऊपर वाला फंक्शन, ओके, क्योंकि ये तो इक्वल टू वाला जीरो है। तो उसमें फिर जीरो प्लस एच पुट करेंगे, जीरो प्लस एच पुट करने से मॉड से बाहर आएगा तो एच होगा भाई, नीचे भी एच है तो कट के वन आ जाएगा। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स, एक्स लेस देन जीरो एंड इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन माइनस वन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू माइनस जीरो, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से पीछे जाएंगे तो लिमिट कितना हो जाएगा, एक्स बाई मॉड एक्स इसमें पुट करेंगे, जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच, माइनस एच यहाँ रह जाएगा और ये मॉड से है इसलिए माइनस एच प्लस हो जाएगा, कटेगा तो माइनस वन। आर एच एल में जब निकालेंगे ग्रेटर देन जीरो का तो उसमें फंक्शन हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं तो इसलिए इसका आंसर भी माइनस वन ही रहेगा। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों का वैल्यू सेम आ गया इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसलिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फंक्शन एक्स प्लस वन दिया हुआ है, अगर वन एक्स वन से ग्रेटर या इक्वल हो और अगर वन से कम हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन फंक्शन होगा। तो एक्स वन से कम अगर लेंगे तो ये वाला फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फिर एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, वन माइनस एच और उसके बाद इसको होल स्क्वायर कर सकते हो, कर दिया गया। उसके बाद एच का वैल्यू जो लिमिट है जीरो पुट कर दिया गया, पुट करने से कितना वैल्यू आया, टू आया। अब एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे मतलब वन का पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा, वन से ज़्यादा में वैल्यू कौन सा होगा, एक्स प्लस वन वाला होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वन का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स की जगह पर अब वन प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट लेंगे तो एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वन प्लस वन टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया है इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन एक्स क्यूब माइनस थ्री कब, जब एक्स टू से कम या इक्वल हो और टू से ज़्यादा होने से एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेम प्रोसेस, टू से अगर कम लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो उसके लिए ये वाला ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे। अब जहाँ पर एक्स है उसके जगह टू माइनस एच पुट कर देना है, होल क्यूब माइनस थ्री। अब लिमिट पुट कर देंगे, एच का वैल्यू जीरो दिया हुआ है तो टू का क्यूब एट हो जाएगा, एट माइनस थ्री फाइव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है। अब राइट हैंड लिमिट पुट कर दो तो टू से ज़्यादा लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन फंक्शन हो जाएगा। अब एक्स की जगह पर पुट करना है टू प्लस एच, जिसमें एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो एच का जगह जीरो तो टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव हो गया। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ चुका है इसलिए इसका भी पॉइंट क्या हो जाएगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, जब एक्स का वैल्यू वन या वन से कम है और वन से ज़्यादा होने से एक्स स्क्वायर, तो वन से पीछे जाएंगे तो कौन सा वैल्यू लेंगे, एक्स टू द पावर 10 माइनस वन। अब एक्स की जगह पुट करना है वन माइनस एच, क्योंकि वन माइनस है, इसमें एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर देंगे तो वन का पावर कुछ भी रहे तो वन ही होगा और माइनस वन यहाँ पे दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, जीरो। सेम थिंग करेंगे आर एच एल के लिए, वन से ग्रेटर जब होगा तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, वन से ज़्यादा के लिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे वन प्लस एच होल स्क्वायर, एच का वैल्यू जीरो दिया हुआ है लिमिट तो जीरो पुट करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आया, वन। तो इसमें लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो गया इसलिए ये डिसकंटिन्यूस हो गया वन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
अगर x का वैल्यू 1 या 1 से कम है तो x प्लस फाइव हो जाएगा फंक्शन, 1 से ज़्यादा है तो x माइनस फाइव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन x प्लस फाइव हो जाएगा। अब x के जगह पर 1 माइनस h पुट करेंगे तो 1 प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा इसके आंसर। राइट हैंड लिमिट के लिए x माइनस फाइव हो जाएगा फंक्शन, इसमें 1 प्लस h पुट करेंगे, 1 प्लस h पुट करने से h के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस फाइव माइनस फोर। तो एल एच एल और आर एच एल वैल्यू अलग अलग हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 देखो। ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं और आपका कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर जीरो से ज़्यादा, जीरो या जीरो से ज़्यादा वन से कम होगा तो थ्री लेंगे, वन से ज़्यादा थ्री से कम होगा तो फोर लेंगे, और थ्री से ज़्यादा टेन से कम होगा तो फाइव लेंगे। तो पहला कंडीशन हम पुट करेंगे वन के लिए, क्योंकि यहाँ लास्ट में वन है, यहाँ पर फर्स्ट में वन है, तो वन से पुट करेंगे। तो वन के नेगेटिव में जाएंगे तो थ्री हो जाएगा फंक्शन, और वन का पॉजिटिव में जाएंगे तो फोर हो जाएगा। थ्री और फोर क्या इक्वल होता है, नहीं होता है, इसलिए इसका कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। फिर जब थ्री पुट करेंगे तो थ्री से कम लेंगे तो फोर हो जाएगा वैल्यू, और थ्री से ज़्यादा लेंगे तो फाइव हो जाएगा। तो फोर और फाइव भी अनइक्वल होता है, इसीलिए एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी तीन फंक्शन दिया हुआ है। अगर एक्स का वैल्यू जीरो से पीछे जाएंगे तो टू एक्स लेंगे, जीरो से आगे जाएंगे तो जीरो लेंगे, और वन से आगे जाएंगे तो फोर लेंगे, फोर एक्स लेंगे। तो देखो पहले जीरो से पीछे गए, जीरो माइनस उसमें टू एक्स लिया गया, एक्स का वैल्यू में जीरो माइनस एच पुट करना है, फिर लिमिट पुट कर देना है एच की इक्वल जीरो, तो इसका आंसर आया जीरो। और जीरो से जब पॉजिटिव वैल्यू में जाएंगे तो उसका फंक्शन ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है, जीरो जीरो इक्वल हो गया एल एच एल आर एच एल, तो कंटिन्यूस हो गया। अब वन पुट करके देखेंगे कि वन में भी वही चीज आ रहा है कि नहीं। तो अगर वन के पीछे में जाएंगे तो वन माइनस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन, जीरो, और वन प्लस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स। एक्स की जगह पर वन प्लस एच पुट करना है, एच का वैल्यू जीरो पुट करना है, फोर वन या फोर। तो इसमें एल एच एल और आर एच एल अलग अलग हो गया, इसलिए ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी तीन फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर x का वैल्यू माइनस वन से भी कम है या इक्वल है तो माइनस टू होगा, माइनस वन से ज्यादा है और वन से कम है तो टू एक्स होगा, और वन से ज्यादा है तो टू होगा। तो पहले माइनस वन का कंडीशन में देख लेंगे और फिर वन का कंडीशन में देख लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर माइनस वन से पीछे जाएंगे तो माइनस टू होगा आंसर, माइनस वन से आगे जाएंगे तो टू एक्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू माइनस वन प्लस एच रखना ही है, एच का वैल्यू जीरो पुट करना है, इसमें आंसर माइनस टू आ गया। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। फिर वन पुट करके देखेंगे, अगर वन से पीछे जाएंगे तो टू एक्स लेंगे, और वन से आगे जाएंगे तो टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें भी दोनों केस में सेम आ जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी बताया गया कि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमको ए और बी का रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर थ्री से पीछे जाएंगे तो एक्स प्लस वन, थ्री से आगे जाएंगे तो बी एक्स प्लस थ्री। तो थ्री से पीछे मतलब थ्री नेगेटिव, ए एक्स प्लस वन, अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर थ्री माइनस एच पुट करना है, फिर एच का जो लिमिट है उसको पुट करना है, तो आंसर क्या आएगा, थ्री ए प्लस वन। फिर बी में क्या पुट करेंगे, थ्री प्लस जब पुट करेंगे तो बी एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। उसमें भी अगर एच एक्स की जगह पुट करना है थ्री प्लस एच, फिर लिमिट ले लेना है एच इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर आएगा थ्री बी प्लस थ्री। अब क्योंकि क्वेश्चन में कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स एल एच एल और आर एच एल इक्वल होना चाहिए। एल एच एल का वैल्यू पुट कर दिया, आर एच एल का वैल्यू पुट कर दिया, ट्रांसपोजिंग करके ए माइनस बी का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, ए इक्वल हो जाएगा बी प्लस टू बाई थ्री। ओके, थैंक यू। सो कंप्लीट करना कॉपी में।